बॉलीवुड के फेमस एक्टर इरफान खान पिछले कुछ समय से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे। हाल ही में इरफान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक एक बार फिर तबीयत बिगड़ने के चलते इरफान खान को मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई है। हाल ही में कुछ दिनों पहले इरफान खान की मां का निधन हुआ था, लेकिन देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण घर से दूर होने की वजह से इरफान खान अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मां के अंतिम दर्शन किए थे। इरफान खान मुंबई में थे, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि साल 2017 में इरफान को कैंसर का पता चला था, जिसके बाद भी वो काम छोड़कर विदेश में अपना इलाज करा रहे थे। इरफान ने खुद अपने फैंस को ये शॉकिंग खबर दी थी। उन्होंने ट्वीट कर अपनी बीमारी का खुलासा किया था। ट्वीट करते हुए इरफान खान ने कहा था कि जिंदगी में अचानक ऐसा कुछ हो जाता है जो आपको बहुत आगे लेकर चला जाता है। मेरी जिंदगी के पिछले कुछ दिन ऐसे ही रहे, मुझे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर बीमारी हुई है। आगे इरफान ने लिखा था कि इसके इलाज के लिए विदेश जा रहा हूँ और सभी से प्रार्थना है कि वो मेरे लिए दुआएं करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं फिर से और स्टोरी लेकर वापस आऊंगा। इरफान के इस ट्वीट को देखकर उनके फैंस को थोड़ी शांति मिली थी कि उनके चहेते एक्टर इस बीमारी से बेखौफ होकर लड़ रहे हैं। अपने इस बीमारी के बाद भी इरफान खान फिल्म अंग्रेजी मीडियम में नजर आए। ये फिल्म 13 मार्च को रिलीज हुई, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये फिल्म कुछ ही राज्यों में रिलीज हुई। अब इरफान की ये फिल्म टीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है, लेकिन हाल ही में आई खबरों के मुताबिक इरफान की हालत ठीक नहीं थी, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। और वहीं से इरफान के फैंस के लिए बुरी खबर आई है, हालत बिगड़ने की वजह से इरफान खान का निधन हो गया है और बॉलीवुड ने अपना एक और चमकता हुआ सितारा खो दिया है। इरफान खान के निधन पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर खेद व्यक्त किया है। वहीं इंडस्ट्री के अन्य बड़े लोगों ने भी इरफान खान के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।